हेलो। तो आज हम जो है डिस्कस करने लगे हैं विनफॉर्म सीरीज का नया लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम स्प्लैश स्क्रीन्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं इसके अंदर। तो स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है? बेसिकली आपने देखा होगा कि अपनी एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास जब भी हमारी कोई एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, तो उससे पहले जो है उसका लोगो या उसकी कोई स्टार्टिंग स्क्रीन अपेयर होती है। उस स्टार्टिंग स्क्रीन को जो है वो हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि एक फॉर्म हमारे पास बना हुआ है, बेसिकली ये एक फॉर्म है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कह देते हैं ये हमारा फॉर्म वन है, लॉग इन पेज है लेट सपोज, और यहाँ पर एक बटन बना देते हैं लॉग इन का, और इसको दे देते हैं टेक्स्ट लॉग इन का। और हम क्या चाहते हैं कि इस पेज से पहले ना, इस पेज से पहले हमारे पास एक स्प्लैश स्क्रीन आए, और फिर जब उसके जो है आपके पास प्रोग्रेस जो है वो पूरी हो जाए, यानी वो कुछ लोड करे, और उसके बाद जो है वो आपके पास ये पेज अपीयर हो। तो वो आप किस तरह से करेंगे? तो एक फॉर्म तो हमारा ये हो गया जो हमारी मेन एप्लीकेशन का फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, एक और नया फॉर्म बनाते हैं जिसको हम कन्वर्ट करेंगे फिर स्प्लैश स्क्रीन में। तो ऐड करते हैं विंडोज़ फॉर्म, और इसको हम जो है नाम दे देते हैं, यहाँ से इस फॉर्म को नाम दे देते हैं स्प्लैश स्प्लैश, ठीक है। तो ये स्प्लैश हो गया। अच्छा, इसके जो हम यहाँ से आकर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और फिर इसका जो आपके पास लेट्स सपोज हमारे पास इसका होता है बॉर्डर, एक तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन को हम सेंटर स्क्रीन कर देते हैं, और साथ के साथ हम यहाँ पर, अच्छा यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी होती है फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, तो इसको हम जो है नल कर देते हैं ताकि ये इस तरह से आपके पास डिस्प्ले हो। उसके बाद हम जो है यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स लेंगे। तो सबसे पहला जो हम कंट्रोल लेते हैं वो यहाँ पर लेंगे पिक्चर बॉक्स। तो यहाँ से एक पिक्चर बॉक्स ले लेते हैं जिसके अंदर हम एक इमेज शो कर देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, और इसको इमेज को हम यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। और इस इमेज को यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जाके इमेज लोकल रिसोर्स इंपोर्ट, और इमेज अगर हमारे पास पड़ी हुई है तो हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इस इमेज को, यहाँ हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ये इमेज, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब इस इमेज को जो है वो मैं स्ट्रेच कर देता हूँ फिलहाल यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास शो होगी। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए हमें यहाँ पे प्रोग्रेस बार। तो यहाँ से हम एक प्रोग्रेस बार ले लेते हैं, तो ये आ जाएगी आपके पास प्रोग्रेस बार, और इस प्रोग्रेस बार को मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, और हम इसको लास्ट तक ले जाते हैं। तो ये हो गई आपके पास प्रोग्रेस बार, ठीक है। तो प्रोग्रेस बार के बाद अब हमें चाहिए एक टाइमर, ठीक है, क्योंकि हम पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इस प्रोग्रेस बार को अपडेट करेंगे। तो ये हमने सारा काम कर लिया, तो टाइमर भी हमारे पास आ चुका है। अच्छा, टाइमर हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो टाइमर की जो हमारे पास इनेबल की प्रॉपर्टी होती है, हमें उसको ट्रू करना होता है ताकि ये हमारे पास अनेबल हो सके। देन उसके बाद एक अगली प्रॉपर्टी जो इसकी होती है वो है आपके पास इंटरवेल की, यानी हम जो है वो कितने टाइम बाद इसको अपडेट करना चाहते हैं, और जो इसकी वैल्यू होती है यहाँ से देख सकते हैं हम इसको मिली सेकेंड्स में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से 1000 कर दिया, तो 1000 मिली सेकेंड्स आपके पास बराबर होते हैं 1 सेकेंड्स के। फिर उसके बाद अगला काम जो हमारा होगा वो होगा टाइमर के टिक इवेंट पे। टाइमर कंट्रोल के साथ जो है वो हमें बेसिकली क्या मिलता है, टिक इवेंट मिलता है, जिसके ऊपर जो है वो हम कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। तो मैंने यहाँ से 1000 करा था, ठीक है, और यहाँ से जाके अब टाइमर के टिक इवेंट पे हम जो है वो कुछ कोडिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो हमने प्रोग्रेस बार बनाई है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है इंक्रीमेंट का मेथड होता है, और इस इंक्रीमेंट में हम जो है यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से दे दिया 1, ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट दे दिया, और उसके बाद हमने बोल दिया इफ प्रोग्रेस बार 1 डॉट, ठीक है। तो यहाँ से प्रोग्रेस 1 बार डॉट वैल्यू इक्वल्स इक्वल्स 100, अगर इसकी वैल्यू जो है 100 के बराबर हो जाती है तो हम क्या करेंगे, टाइमर को, टाइमर 1 जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, टाइमर 1 डॉट स्टॉप कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आके टाइमर को
स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये टाइमर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली अब आते हैं हम अपने फॉर्म वन पे। तो बेसिकली हम इस फॉर्म से पहले उस स्प्लैश स्क्रीन को रन करना चाहते हैं, तो अब हम जाएंगे व्यू कोड पे और यहाँ पर कुछ काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो एक मेथड बनाएंगे, तो हम बोलेंगे पब्लिक और वॉइड स्प्लैश, ठीक है, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्प्लैश, और हमने यहाँ पर एक मेथड बना लिया स्प्लैश के नाम से, और यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट रन, ठीक है, एप्लीकेशन डॉट रन, ठीक है, रन का मेथड। और यहाँ पर जो है न्यू करके हम बता देंगे कि हमें कौन से फॉर्म को कॉल करना है, तो हमें स्प्लैश के फॉर्म को यहाँ पर कॉल करना है। अब इसके बाद ये जो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है इस फॉर्म का, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ काम करेंगे। ये आपको पता है कि हमारे पास ये जो इनिशियलाइज कंपोनेंट का यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है, मेथड है, ये क्या करता है, जो आपके पास फॉर्म है, करंट फॉर्म है, जिस फॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करता है। तो हम उसको इनिशियलाइज करने से पहले क्या करना चाहते हैं, हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन को कॉल करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर थ्रेड्स को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो थ्रेड हम लिखेंगे थ्रेड, जैसे ही मैंने थ्रेड लिखा देखिए मेरे पास एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसका जो है सिस्टम डॉट थ्रेडिंग की क्लास को इनहेरिट कर लूँगा नेम स्पेस को, उसके बाद मैंने टी के नाम से यहाँ से ये बना लिया। देन उसके बाद हमने न्यू थ्रेड, और इसके अंदर अब मुझे अपने थ्रेड को डिफाइन करना, तो न्यू यहाँ पर हमारे पास होता है थ्रेड स्टार्ट, और इसके अंदर जो है हम बता देंगे कि किस मेथड को हम यूज़ करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दे रहा है थ्रेड वॉइड स्टार्ट टारगेट, तो टारगेट में हमने ये जो स्प्लैश का मेथड बनाया था ये हम यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि टी डॉट स्टार्ट यानी अपने थ्रेड को स्टार्ट कर देंगे। थ्रेड को स्टार्ट करने के बाद सो थ्रेड क्लास का हमारे पास एक मेथड होता है, तो ये थ्रेड क्लास, ठीक है, और इसका एक मेथड होता है स्लीप। तो हम थ्रेड को क्या करना चाहते हैं, स्लीप करना चाहते हैं। अब इसको भी जो वैल्यू है हम मिली सेकेंड्स में प्रोवाइड करते हैं, तो मैं यहाँ से 5000 दे देता हूँ फिलहाल, तो यानी 5 सेकेंड हमने इसको एलोकेट किए हैं, तो यहाँ से हम मेंशन कर देते हैं 5 सेकेंड्स, ठीक है। और उसके बाद अब अगला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको 5 सेकेंड के बाद टी डॉट अबॉर्ट यानी हम कर देंगे कि जब 5 सेकंड गुजर जाए 5 सेकंड तक ये क्या करता रहेगा, टाइमर को अपडेट करते, वो जो टाइमर वाला काम किया हमने वहाँ पर उसको अपडेट करता रहेगा, टाइमर के थ्रू जो है उस प्रोग्रेस बार की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहेगा, और 5 सेकंड बाद ये जो है वो आपके पास क्या कर देगा, इस थ्रेड को, करंट थ्रेड को यानी स्प्लैश स्क्रीन वाले फॉर्म को ख़त्म कर देगा, बंद कर देगा, और आपके पास जो है आपका जो फॉर्म वन है वो आपके पास शो हो जाएगा। तो अब इसको चला के देखते हैं। सो आप देखें ये हमारे पास प्रोग्रेस बार रन हो रही है, ठीक है, लेकिन देखें ये बिल्कुल आपके पास क्या हुआ है, बहुत कम यहाँ पे विजिबल हुई है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर 1 सेकेंड का जो है टाइमर पे कंट्रोल लगाया है, यानी 1 सेकेंड बाद आपके पास हमने कितना इंक्रीमेंट किया है, 1 का इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। अगर मैं इंक्रीमेंट यहाँ पर 10 का कर देता हूँ, ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। तो अब देखें 10 10 का आपके पास इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी जो है ये कम्प्लीटली वर्क नहीं कर रहा। अब ये कम्प्लीटली वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर हमने 10 10 का इंक्रीमेंट दिया है, और यहाँ पर जब हमने थ्रेड इस्तेमाल किया है तो थ्रेड पे हमने यहाँ पर 5 सेकेंड का पॉज दिया है। तो 5 सेकेंड का मतलब है कि अगर हम 10 10 का इंक्रीमेंट करा रहे हैं तो 5 सेकेंड का मतलब है कि आपके पास 50, जैसे ही आपकी वैल्यू 50 पे पहुंचेगी ये आपके पास स्टॉप हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 10,000, और अब जो है वो ये जो आपके पास पॉज हो जाएगा वो 10 सेकेंड का हो जाएगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखें तो अभी हमारे पास देखें आपके पास यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, 10 10 करके इंक्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर, और ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, और जैसे ही लास्ट पे पूछा ये हमारे पास क्या हो गया, एकदम आपके पास जो है आपका फॉर्म जो है सेकेंड फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं, ठीक है, और आप थ्रेडिंग के थ्रू इसको कंट्रोल करना चाहते हैं या टाइमर के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर।
अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ आप जो है एक लेबल भी शो करें जिसके अंदर आपके पास क्या हो, आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो रही हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर आके एक लेबल बना लें, ठीक है, उसको सेंटर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, इस लेबल को खाली कर दें, ठीक है, लेबल के फॉर्म को सेट कर लें, ठीक है, जैसे आप करना चाहते हैं, बोल्ड करते हैं, जो आप हेडिंग देना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो 11 कर देते हैं यहाँ से। और बस ये जो आपने टाइमर कंट्रोल पे काम किया था, तो यहाँ पर आप बेसिकली क्या करते थे, प्रोग्रेस बार की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते थे ना, तो आप कुछ ना करें, आप लेबल वन ले लें, ठीक है, उसके टेक्स को कर दें इक्वल्स टू प्रोग्रेस बार वन डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग कर दें, तो अब क्या होगा, ले आपके पास लेबल में वो जो है वैल्यू अपेयर होगी 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब देखिए क्योंकि हमने 10, 10 का इंक्रीमेंट रखा है, तो इस वजह से 10, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उसके बाद अब यहाँ पर आप इसके साथ अगर परसेंट का साइन भी शो करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप यहाँ पे आके परसेंट का साइन दे दें, ठीक है, तो अब जो है वो आपके पास परसेंट का साइन भी जो है वो अपेयर हो जाएगा इसके साथ। तो देखें आपके पास अपेयर हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो आप स्प्लैश स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और छोटा सा हम काम के करके देते हैं कि अभी ये जो 10, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, हम इसको बोलते हैं कि हमें 1 का इंक्रीमेंट करना है, और हमें इसकी कंट्रोलिंग जो है ना वो करनी है विद दी हेल्प ऑफ हमारे पास जो हमारा टाइमर लगा हुआ है, तो टाइमर के थ्रू करनी है। तो हम यहाँ पर जो टाइमर की वैल्यू है, यानी जब हमने टाइमर सेट किया था तो इसके इंटरवल को हमने क्या किया होता, 1000 किया होता, 1 सेकेंड अलोकेट किया हुआ था, तो यहाँ से मैं इसको 100 कर देता हूँ, और आप देखें हमारे पास किस तरह का इफेक्ट आता है। तो देखें ये आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास काउंटिंग चलती भी नजर आ रही है आपको, कि 30, 40, 50, 60, तो आपके पास ये तकरीबन जो है वो 80, 90 तक जा रहा है, और 90 के बाद जो है वो आपको आपका फॉर्म डिस्प्ले कर रहा है। तो अब आप इसको मजीद यहाँ से जो है इसकी थ्रेड में जाके इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि आपको कितनी वैल्यूज को असाइन करनी चाहिए। आई थिंक यहाँ से अगर हम 11,500 देते हैं तो ये आपके पास कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं, तो ये आपके पास प्रोग्रेस बार चल रही है, ठीक है, 60 तक चली, 70, 80, 90, ठीक है, तो ये 100 तक जा रही है, और आपके पास फाइनली जो है आपका फॉर्म जो है वो लोड अप हो गया है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमने यही सीखा कि हम किस तरह से जो है वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इसको विस्प्लैश स्क्रीन को विनफॉर्म के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अपने प्रोजेक्ट्स की स्टार्टिंग स्क्रीन बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।